एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ फेशियल सीरम्स। सो कुछ फेशियल सीरम्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स लाइक पिगमेंटेशन, आपके डार्क स्पॉट्स, आपके पिंपल स्पॉट्स, आपकी एजिंग, हर चीज को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। एंड ये वाले जो फेशियल सीरम्स है काफी अच्छे हैं, कोई लिक्विड बेस्ड है तो कोई ऑयल बेस्ड है, जो आपकी स्किन के लिए सुटेबल रहेंगे। एंड मैं साथ के साथ आपको बताती भी रहूंगी कौन से स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिएगा ताकि ऐसी और कोई अमेजिंग वीडियो आपसे कभी मिस ना हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला फेशियल सीरम है वो है ये बायोटिक की तरफ से, बायोटिक का बायो डेंडेलाइन फेशियल सीरम। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट रिव्यू भी किया हुआ है, अगर आप वो चेक करना चाहते हैं तो आप वो चेक कर सकते हैं। एंड ये सूटेबल टू ऑल स्किन टाइप्स है। इसका टेक्सचर जो है वो भी काफी लिक्विडी और मिल्की है। एंड ये हर स्किन टाइप वाला यूज कर सकता है। इसका जो बेनिफिट है, ये आपको एजलेस ब्यूटी देता है। मतलब अगर आपके फेस पे कहीं पर भी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो इनको रिमूव करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन का टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। तो ये ऑयल बेस्ड नहीं है, तो ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, रीबैलेंस करेगा, आपके सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। एंड आयुर्वेदिक ब्रांड है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये आपको कोई रिएक्शन ना दे जाए, क्योंकि आयुर्वेदिक ब्रांड है तो हर स्किन को सूट करेगा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगा। सो काफी अच्छा फेशियल सीरम है, काफी अफोर्डेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जो दूसरा फेशियल सीरम है वो है गुड वाइब्स ब्रांड की तरफ से रोजे फेशियल ऑयल। एंड इसका भी मैंने सेपरेट रिव्यू किया हुआ है, अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो। ये ऑयल बेस्ड सीरम है, आपके स्किन को बिल्कुल स्मूथ बना देता है। कोई भी, अगर ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज करते हैं तो कोई ब्रेकआउट नहीं देता है, आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो देता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज करोगे तो आप देखोगे आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ग्लोई फील करने लगेगी, टेक्सचर इंप्रूव होगा, बहुत सॉफ्ट फील करने लगेगी। एंड लगाने पर भी कोई भी ऑयलीनेस नहीं देता है, तो ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, हर स्किन टाइप इसको सूट कर सकता है। एंड इसमें आपको एक ड्रॉपर मिला हुआ है जिसकी हेल्प से आप इसको आराम से अपने पाम में ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप इसके 2-3 ड्रॉप्स भी लगाएंगे तो वो काफी सफिशियंट है। एंड आपको जैसे पता है रोजिप हमारी स्किन वाइटनिंग में भी हेल्प करता है, तो काफी अच्छा फेशियल ऑयल है। अगर आप देख रहे हैं कोई स्किन वाइटनिंग फेशियल सीरम तो आप ये गुड वाइब्स का रोजिप फेशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। पर्पल पे डिफरेंट डिस्काउंट ऑप्शंस चलते रहते हैं, तो जब आपको लगे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो ग्रैब इट एंड यूज इट। सो काफी अच्छा फेशियल सीरम है। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट थर्ड फेशियल सीरम की। सो वो भी सेम ब्रांड से है, वो भी गुड वाइब्स ब्रांड की तरफ से है। एंड ये है आर्गन फेशियल ऑयल विद सिल्वर लीव्स। इसमें एक गोल्ड लीव्स भी आता है, तो मैं ये ज्यादातर यूज करती हूँ बिफोर डूइंग माई मेकअप, ताकि जो मेरा मेकअप है केकी एंड पैची ना लगे। तो ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं ताकि उनकी जो स्किन है वो काफी देर तक हाइड्रेटेड रहे। एंड जैसे आपको पता है आर्गन ऑयल हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल है। सो अगर आप इस फेशियल सीरम को डेली भी रात को यूज करते हैं तो आपकी स्किन को एक्स्ट्रा मॉइस्चर देगा, आपकी स्किन के सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करेगा अगर कोई डैमेज हो गया है तो, एंड आपकी पिगमेंटेशन को, आपकी स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। ये एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है, क्योंकि आपकी जब एजिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपके फेस पे बहुत ही डार्क स्पॉट्स, पैचेस आना शुरू हो जाते हैं, फ्लेकीनेस आ जाती है, तो ये उस चीज को हील करता है। सो ये सूटेबल टू ऑल स्किन टाइप्स है। आर्गन ऑयल बहुत ही पतला होता है एंड हर स्किन को सूट कर जाता है। सो ये है हमारा थर्ड फेशियल सीरम। सो फोर्थ है हमारा विटामिन सी फेशियल सीरम। एंड आप सबको पता है विटामिन सी हमारी फेस को ग्लोइंग बनाने में, हमारी स्किन को लाइटन करने में, हमारे सारे स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड इस पे भी मैंने सेपरेट रिव्यू किया हुआ है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप वहां पर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। एंड ये मेरी थर्ड बॉटल है, ऐसी मैंने 2 बॉटल्स ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। सो विटामिन सी हमारे समर्स में ज्यादा सूटेड होता है, क्योंकि विंटर्स में हम यूज करते हैं तो चेहरा ड्राई कर देता है। अगर ड्राई स्किन वाले इसको यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने के बाद अच्छा सा मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, ताकि जो आपकी स्किन है मॉइस्चराइज रहे। अगर स्किन ज्यादा ड्राई रहेगी तो बहुत लोगों के मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि ये लगाने के बाद हमारी स्किन डल होने लगी है, डार्क होने लगी है या पिगमेंटेशन बढ़ने लगी है। सो आपको इसके ऊपर अच्छी तरह से अपने फेस को मॉइस्चराइज करने की जरूरत है। सो ये वाला जो विटामिन सी फेशियल सीरम है, ये एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है, आपके स्किन के कोलेजन को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी एजिंग की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। अगर आप इसको डेली यूज करते हैं तो आपका एक यूजफुल रेडियंस ग्लो बना रहेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेशियल सीरम है वो है फ्रॉम द ब्रांड काया। एंड ये ब्राइटनिंग फेशियल सीरम है, ये इंटेंस ब्राइटनिंग आपको देता है, वाइटनिंग में हेल्प करता है। सो इसका जो टेक्सचर है वो काफी लिक्विडी, बहुत ही वॉटरी है, तो ये हर स्किन टाइप को सूट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑयल बेस्ड नहीं है कुछ भी।
सो आप देखेंगे वाटर की तरह बिल्कुल टेक्सचर है। जैसे आप देखोगे नॉर्मल डेली लाइफ में हमारा जो स्किन है स्पेशली इन समर्स बहुत ज्यादा डल होता चला जाता है या स्किन बहुत ही ऑयली बहुत ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है जिसकी वजह से हमारा जो चेहरा है काफी चिकना चिकना लगने लगता है और बहुत ही काला लगने लगता है। ये वाला जो फेशियल सीरम है हमारी स्किन ब्राइटन करने में हेल्प करेगा। एंड जितने भी फेशियल सीरम मैं आपको दिखा रही हूँ बायोटिक का छोड़ के वो सारे आप नाइट टाइम में यूज करेंगे एंड जो बायोटिक का है वो आप डे टाइम में भी यूज कर सकते हैं मॉइस्चराइजर लगाने से पहले। ये वाला जो फेशियल सीरम है ये आपको रात को यूज करना है वन टाइम यूज करना है एंड डेली यूज करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ब्राइटन अप होने लगेगी स्किन ग्लो करेगी। एंड जो लास्ट हमारा फेशियल सीरम है वो है अनलॉक मिक्सिफाई की तरफ से। ये एक एंटी एजिंग फेशियल सीरम है। जैसे आपको पता है एजिंग स्टार्ट होने पे ही आपके डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा चीजें आपके फेस पे आने लगती हैं तो ये उस चीज में हेल्प करेगा। एंड ये ऑयल बेस्ड है तो ड्राई स्किन ब्यूटीज के लिए काफी अच्छा है। अगर ड्राई स्किन वाले कोई ऐसा फेशियल सीरम ढूंढ रहे हैं कि उसको लगाने के बाद जो उनकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है फ्लेकीनेस की प्रॉब्लम है वो चली जाए तो उसका आंसर है ये। एंड ये आपकी स्किन में ग्लो देता है क्योंकि ऑयल बेस्ड है एंड इजिली एब्जॉर्ब भी हो जाता है उसके बाद कोई ऑयलीनेस नहीं देता है। सो ये भी आपकी एज स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा आपकी एंटी एजिंग की प्रोसेस स्टार्ट करेगा ताकि आपको एजिंग जल्दी ना आ पाए। एंड एंटी एजिंग है तो आपके जितने भी पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स हैं उनको टारगेट करेगा एंड उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा। सो ये थे कुछ फेशियल सीरम्स मेरी तरफ से जो आप यूज कर सकते हैं एंड इनके काफी अच्छे रिजल्ट हैं। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज को टारगेट कर रहे हैं या अपनी डलनेस को या पिगमेंटेशन को एंटी एजिंग को तो आप इनमें से कोई भी फेशियल सीरम यूज कर सकते हैं। सो आई होप मेरी तरफ से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक तो बनता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट एक अमेजिंग वीडियो में। तब तक यू ऑल टेक केयर। बाय बाय।